हाय एवरीवन, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। चलिए आज यूं कार्ड पिक करते हैं हम। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है थ्री ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द डेविल। ये आपके ही पार्टनर की एनर्जीज हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज द हाई प्रीस्टेस। ओके, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके जोडियक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या दीज आर द जोडियक साइंस हियर। आने वाले कार्ड में और भी जोडियक साइन आ सकते हैं, ठीक है? तो सभी जोडियक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। आज की रीडिंग इज लाइक थ्री ऑफ सोर्ड्स टावर। दोनों ही एनर्जी स्टार्टिंग में निकल कर आई है, लेकिन डेविल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए लेट्स चेक इट आउट के क्या एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स चेक आउट के थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मजीशियन। कोई ना कोई ब्लॉकेजेस और किसी तरीके की, लाइक जैसे कहते हैं ना कि ऑब्स्टैकल आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। आप यहाँ पर अगर देखो ना, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स कुछ तो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट करा है, ठीक है? किसी चीज ने तो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट करा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मजिशियन इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कहा या आपने उन्हें कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाया या कोई आपका बिहेवियर ऐसा रहा है अपने पार्टनर की तरफ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। वो चीज जैसे आपके पार्टनर को बहुत हर्ट कर गई है और आपके पार्टनर वॉज लाइक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेर कर आपकी तरफ नहीं आ सकते। वो बहुत ज्यादा हर्ट है, कोई बात है जो उनको दिल में हर समय चुभ रही है, कोई आपकी ऐसी बात है और उन्हें लगता है कि आपने इतना कुछ उन्हें कह दिया, अब इतना कुछ कहने के बाद वो आपको कैसे अप्रोच करे। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती तो वो आपको अप्रोच करते, लेकिन उन्हें लग रहा है कि नहीं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इस समय अगर उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया, आपने इतना कुछ कह दिया उन्हें या हर्ट कर दिया मे बी अपनी किसी बात से उनको, उन्हें लगता है कि अगर ऐसे मोमेंट पर भी उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया तो आप तो उन्हें बिल्कुल लाइटली लोगे, आप उनके बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हो फिर, है ना? तो यहाँ पर मे बी उनका ईगो है, मे बी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी प्राइड है जो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये जानबूझकर आगे नहीं आ पा रहे हैं, जबकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये बहुत मिस करते हैं, हर रोज आपको याद करते हैं, हर रोज आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, आप इनके साथ रहो, आपके साथ ये आगे जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो इन्हें हर्ट कर गया है। और ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो जल्दी लेट गो भी नहीं करते हैं, बातें जल्दी नहीं भूलते हैं, आपके पार्टनर जल्दी लेट गो नहीं करते। उनको लगता है कि भाई मुझे मंजूर है कि तुम मुझे चीट कर लो, तुम मुझसे झूठ बोल लो, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट मत करना। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो।
कुछ तो आपने उन्हें ऐसे कहा है, कोई तो ऐसी बात आपने उनसे जरूर करी है जो उनको बहुत हर्ट कर गई है। द थ्री ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर है और वो इस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा मायूस और दुखी एनर्जी में मुझे आज भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं वो इसी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हैं। डेविल की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। डेविल की एनर्जी को क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनका आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल कर आगे बढ़ गए हैं, आपको याद भी नहीं करते हैं, तो नहीं, ये बहुत मिस करते हैं और आज भी आपकी बातों को अपने दिल से लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो आकर आपको अप्रोच करते हैं या वो आकर आपसे बात करते हैं, बहुत डेस्परेशन है इनकी एनर्जी में आपसे, जैसे आज भी बात करने का मन कर रहा है इनका। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी एक और रिफ्लेक्ट हो रही है, इस दैट के हो सकता है आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज भी आया है। ओके, उनका कॉल या मैसेज आया, हो सकता है दिवाली है तो दिवाली विश करी है उन्होंने आपको। सो ऐसा कुछ चांसेस भी यहाँ पर मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ। वेल, यहाँ पर उनको ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने ऐसी सिचुएशन में आपको अप्रोच कर लिया और ऐसी सिचुएशन में आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया, या आपने ही उन्हें एटीट्यूड दिखा दिया, तो फिर तो मतलब चीजें बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी, है ना। तो उनको लग रहा है कि आप अपनी गलती महसूस करोगे, आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप उनसे माफी मांगोगे। तो देर इज समथिंग लाइक विच रियली हर्ट योर पर्सन। कोई ऐसी चीज है जो उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, कोई बात है जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, जिसको जो बात उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ओके, ये कुछ मुझे ऐसे लग रहा है ये कुछ उनकी फैमिली से रिलेटेड भी बात हो सकती है। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू देयर फैमिली या उनको रिलेटेड, उनसे रिलेटेड कोई बात हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है आपने उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कुछ कहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो तीन एनर्जीज यहाँ पर है जो उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ओके, और उन्हें लगता है कि आप रियलाइज करोगे अपने मिस्टेक और आप उन्हें अप्रोच करोगे, और ऐसे मोमेंट पर उनको लग रहा है कि उनका अप्रोच करना आपको सही नहीं है। उनको लग रहा है कि नहीं, उनका साइलेंट रहना, उनका साइलेंट बिहेवियर ही इस समय सही लग रहा है उनको। ठीक है, तो वो नहीं, अभी भी नहीं सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में। इट वॉज लाइक वो आपका ही अप्रोच का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में गलती आपकी है। ओके, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो किन लोगों की एनर्जी पिकअप हुई है, बट या द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर सेवन ऑफ कप रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी भी निकल कर आई है। इस कार्ड को हम वापस ले लेंगे डेक में, क्योंकि हमें सिंगल कार्ड चाहिए था, बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून विद द सेवन ऑफ कप की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स इस पर्सन की एनर्जी में है, जहाँ पर बहुत कंफ्यूज इन्होंने आपको कर रखा है। ये पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से आपके लाइफ से जा भी नहीं रहे हैं, और कोई ऐसी, मैंने कहा ना कि कोई बात तो है जो इनके दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर पाया है आपकी उस बात ने। ठीक है, और ये उस बात को नहीं भूल पा रहे हैं, ये लिटरली नहीं भूल पा रहे उस बात को, और आपके लिए काफी इमोशनल भी ये पर्सन फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मे बी बहुत बात, बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं या बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और वापस चाहते हैं वो आपकी लाइफ में, लेकिन को मैंने कहा ना कि रोक रही है उन्हें ये बात, रोक रही है उनको, आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही है उनको। उनको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें पहले जैसी भी नहीं हो सकती हैं, वो बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। मे बी इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर उनको लगता है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर अब आप दोनों के बीच में चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं, उन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर एक चेंज आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दे सी अ चेंज इन यू, आपके अंदर एक स्ट्रांग बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि अब आप बहुत मैनिपुलेट करने लग गए हो, उन्हें लगता है अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हो और आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर भी कुछ गलत सोच रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके दिल में भी आपको लेकर हैं। हर्मिट की एनर्जी भी यही बता रही है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ ओवरथिंकिंग जो आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टू ऑफ कप्स, यस अगेन, उनको यही लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में ना मे बी पहले जैसे अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग भी नहीं रही है। ठीक है, पहले आप चीजों को, हर चीज को बहुत लाइटली लेते थे, बट अब कहीं ना कहीं आप जो होना बहुत बदल गए हो, अब आप
उनके साथ जैसे पहले आप लाइफ को एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, ठीक है, सिर्फ आप दोनों की बातचीत में सिर्फ आप दोनों की फीलिंग्स या इमोशंस ही हुआ करते थे। अब दोनों की बातचीत में पहले पता है क्या, इधर उधर की बातें नहीं होती, ठीक है, इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, तुम्हारी मदर ने, तुम्हारे फादर ने मुझे ऐसे कह दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए, तुम्हें मुझे अटेंशन देनी चाहिए। अब आपकी बातों में उन्हें लगता है कि बहुत कंप्लेन्स हैं, अब उन्हें लगता है कि आपकी बातों में ना बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स हैं कि वो आपके लिए ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे। उन्हें लगता है अब आप बिल्कुल ना, जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल होकर नहीं रह रहे हो उनके साथ, ठीक है, एक फन लविंग जो आपको होना चाहिए ना, उन्हें लगता है कि आप वैसे नहीं जी रहे हो उनके साथ, अब वैसे नहीं रह रहे हो उनके साथ। यू आर नाउ चेंज, आप चेंज हो गए हो, अब आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है, आपकी बातों में चेंज आ गया है। एंड मे बी उनको ये भी फील होती है कि अब आपके अंदर ना उनको लेकर कड़वाहट भी है, यानी उनको लेकर अब आपके अंदर प्यार से ज्यादा कड़वाहट है, कंप्लेन्स है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। जो पहले आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड हुआ करता था ना, एप्रिसिएशन हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है अब आपके अंदर। तो उनको लगता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, और अगर वो फिर से आपकी तरफ आएंगे ना, तो आप फिर से उनके साथ कंप्लेन्स करोगे, आप फिर से उनके साथ सिर्फ और सिर्फ शिकायतें रहेंगी आपको। तो उनको ये चीज़ नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आप उनसे शिकायतें करें या उनसे कंप्लेंट्स करें या आप हमेशा पुरानी बातों को लेकर बैठें। अब आप भी कहीं हद तक पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हो, वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, और आप दोनों फिर से वो जिंदगी जियो जहां पर आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या फिर एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। यू नो, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को सुनते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का सपोर्ट देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज में वो चीज नहीं है। तो उनको लगता है कि अभी चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, पुरानी जैसी चीजें नहीं रही हैं, और अब अगर उन्होंने आपको अप्रोच भी करा तो भी चीजें पुरानी जैसी नहीं हो सकती। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट कर रही है डेथ की एनर्जी को, और इस चीज से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, उन्हें लगता है कि अब चीज़ें ठीक होने में या तो बहुत समय लग जाएगा या तो चीज़ें जल्दी से सही नहीं हो सकती, ठीक है। और ये ऐसी बातें हैं जो शायद वो आपको बता भी नहीं सकते, इट इज़ समथिंग जो उनके अंदर है और ये बातें वो आपको नहीं बता सकते, आकर नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि ये चीज़ें आपको खुद ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, है ना, ये चीज़ें आपको खुद ही अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, खुद ही आपको अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आना पड़ेगा और पुरानी बातों को खुद ही आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो उन्हें लगता है ये कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं जा सकती। ओके, इस चीज़ को आपको खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं। डेथ विच शोज़ कि वो आपके अंदर एक चेंज अब देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपके अंदर एक बदलाव, वो देखना चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, कि आप पहले जैसे पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठो। आप हर समय अपने हक की बात करते हो, आप हर समय ये बात करते हो कि तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए वो करना चाहिए, वो ये सब नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप हर समय उनसे कंप्लेंट्स करते हो, रोना धोना लेकर बैठते हो, वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप खुश रहो उनके साथ, एक हैप्पी लाइफ जियो। ये पर्सन आपको दुखी भी नहीं देखना चाहते, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी भी नहीं है कि आपको दुखी या परेशान देखना चाहते हैं, नहीं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब ये आपके साथ बैठे ना, तो ये भी खुश हो, आप भी खुश हो, एक अच्छा वाइब्रेशंस क्रिएट हो वहाँ पर। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि कंप्लेन्स हो, रोना धोना हो, परेशानियाँ हो आप दोनों के बीच में, या पार्टनर डजंट वॉन्ट दैट, ठीक है, वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। टावर की एनर्जी दिखा रही है चीटिंग विद 10 ऑफ कप। अगर ये व्यक्ति आपसे दूर गए हैं, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अगर ये दूर गए हैं या वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका एक रीज़न इनकी फैमिली भी है। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो यस, एक फैमिली भी यहाँ पर एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली एग्री नहीं कर रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिमांडिंग हो गए हो अपने पार्टनर से, है ना। आप चाहते हो कि वो आपको प्रायोरिटी दें, आपको समझें, लेकिन उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली भी है,
राइट. सो यहाँ पर एक मुझे फैमिली इश्यूज भी नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो. सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है. ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ. मे बी ये रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स भी कुछ लोगों का रिश्ता लग रहा है मुझे, ठीक है, कि आपके रिश्ते को 5 साल से भी कहीं ज्यादा हो चुके हैं. बहुत पुराना रिश्ता यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है. दोनों ही 7 नंबर की एनर्जीज हैं. हो सकता है 7 नंबर्स आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ, या तो ये 7 नंबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो. 7th मंथ यानी जुलाई हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल हो. देयर इज सम एनर्जी ऑफ 7. 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ. दैट इज 7 of Swords विद 7 of Pentacles. ओके, एक बार मैं हाई प्रीस्टेस के लिए भी एनर्जी निकालूंगी. एंड दैट इज नाइट ऑफ कप. ग्रेट. ओके, सो यहाँ पर भी अगर आप क्लियरली देखोगे ना तो यू कैन सी के पर्सन आपको जैसे कुछ ऑफर करना चाहते हैं. इनका बहुत मन है आपसे बात करने का. आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं ये पर्सन. और आपको पता भी नहीं होगा बट ये आपको चेज भी करते हैं. लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो उनको रोक रहा है. अच्छा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ जहाँ पर मे बी आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. यस, मे बी द समथिंग दैट, ठीक है, यू नो, जब मैं कार्ड को एकदम टच करती हूँ ना, देन ओनली आई कैन फील समटाइम कि हाँ वो क्या कहना चाहता है कार्ड. सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, 7 of Swords की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है. सम सॉर्ट ऑफ मैजिक आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, कुछ स्ट्रांग मैजिक आपकी लाइफ में होता जा रहा है. जैसे इस व्यक्ति ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी थी या गोस्ट कर चले गए थे ना, अब ये मैजिकली आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मैजिकली ये रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, सो आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. आपने बहुत सफरिंग्स देखी हैं इस कनेक्शन में एंड नाउ इट इज अ टाइम जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके, आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नेचर, द यूनिवर्स इज गिविंग यू द रिवॉर्ड, ठीक है, फॉर ऑल द सफरिंग जो आपने देखी हैं, ऑलरेडी देखी हैं, है ना. सो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है. हाई प्रीस्टेस विद नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि अगर इस व्यक्ति ने आपसे कुछ हाइड भी करा है, किसी चीज, कोई ऐसी बात है जो इन्होंने शायद आपसे छुपाई है, आपको नहीं बताई है, ये वो भी बात आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, ये कुछ तो आपको बताना चाहते हैं. इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये आ रहे हैं आपकी तरफ और बहुत डेस्परेट है. इनकी एनर्जीज में भी बहुत ज्यादा डेस्परेशन मैं देख रही हूँ. ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं. लेट्स चेक आउट. ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. Okay, पहले एक कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, 3 कार्ड्स आई थिंक, ठीक है. क्वीन ऑफ वैन की एनर्जी है यहाँ पर, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हायर प्रीस्टेस, 7 of Pentacles, एस ऑफ कप और 8 of Wands. ओके, मे बी जो उस व्यक्ति ने आपसे हाइड करा है ना, आई बिलीव या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर कहीं इनकी मैरिज या एंगेजमेंट जैसे हुई है. ओके, इन्होंने कुछ हाइड करा है. अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो इन्होंने वो चीज़ आपसे हाइड करी, आपको नहीं बताई. उन्हें लगता था कि अगर वो चीज़ें आपको बता देंगे ना तो फिर आप उनके लिए वो फीलिंग्स या वो प्यार आपके दिल में नहीं रहेगा जो अब आपके दिल में वो प्यार और फीलिंग्स हैं. यस, इन्होंने धोखा दिया है आपको. हो सकता है इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी की एंट्रेंस है आपकी लाइफ में. बट ये पर्सन अब किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते हैं. इन्हें पता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस चीज़ से कि ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं समय, या फिर ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डीले कर रहे हैं. आप इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हो. आप चाहते हो कि ये व्यक्ति जल्द से जल्द कोई फैसला लें, कोई डिसीजन लें
और या तो आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से आ जाएं या पूरे तरीके से आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, पर आप स्टक नहीं रहना चाहते हो इस कनेक्शन में, राइट? सो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, और जो भी आपसे हिडन था वो कहीं ना कहीं देखो आ रहे हैं आपके पास, सर झुकाकर वो आपसे बताने, ओके? जो भी अगर इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है ना, तो वो चीज़ जैसे ये आपको बताना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर कुछ स्पेशल आपके लिए जैसे करना चाहते हैं, मे बी कुछ सरप्राइज आपको देना, ठीक है, सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में आ जाना, मे बी कोई फेवर, कोई सपोर्ट ही आपको देते हुए यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे नजर आ रहे हैं। सो ये इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर ये आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है, ठीक है, ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है, लेकिन हाँ इनकी एंट्री मुझे आपकी लाइफ में तब दिख रही है जब आप गिव अप कर रहे हो, जब आप अपनी होप्स को गिव अप कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में जरूर होती हुई नजर आ रही है। जब तक आप होपफुल होना, जब तक आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी आप इनको दे रहे हो, अपनी पावर सोच सोच कर आप इनको पावर दे रहे हो ना, ठीक है, तब तक तो ये पर्सन नहीं आ रहे, लेकिन जब आप इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या जब आप इन पर फोकस डालना बंद कर रहे हो ना, तब कहीं ना कहीं इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि ये पर्सन तब आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है जब शायद आपको इतनी जरूरत नहीं महसूस हो रही है इनकी, जब आप इन्हें इतना मिस नहीं कर रहे हो जितना आप आजकल इन्हें मिस करते हो। ये भी कहीं ना कहीं आपके करीब आना चाहते हैं, बट मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हें लगता है कि अगर ये आपके करीब आ जाएंगे इस समय पर, इस मोमेंट पर भी, ये और भी एनर्जीज हैं जो उनकी एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सो इन्हें लगता है कि अगर ये ऐसे मोमेंट पर आपके करीब आ जाएंगे ना, तो ये आपको भी प्रॉब्लम दे देंगे या आपको भी हर्ट कर देंगे, ओके? सो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग, कोई ऐसा सॉन्ग जो वॉज लाइक आपको, आपका फेवरेट था, या आप दोनों एक साथ सुना करते थे, या आप दोनों की सिचुएशन को ये सॉन्ग जो है बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है, ऐसा कोई सॉन्ग ये पर्सन सुन रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर दिख रहा है जो ये पर्सन सुन रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये बताए आपको, आपको इमेजिन करते हैं अपने पास, अपने आस पास इमेजिन करते हैं ये पर्सन आपको, जैसे ही आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, ओके? ये बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देना चाहते, ओके? चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं आपके पार्टनर की। वन सेकेंड, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स अगेन, ओके, विद एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ वैंड, एंड बॉटम इज पेज ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं हर्ट होने से, इनको लगता है कि आप इन्हें हर्ट कर दोगे, इनको लग रहा है कि आप इन्हें हर्ट कर दोगे, या अगर ये आपको अप्रोच करेंगे आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है, और ये हर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको इसलिए भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये हर्ट हो जाएंगे और ये हर्ट नहीं होना चाहते। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपने आपसे आकर बात कर ली और आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे या इन्हें इग्नोर कर देते हो, तो फिर एक जो मिनिमल कॉन्टैक्ट भी अगर आप दोनों के बीच में, स्पेशली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट कर पाएगा, अगर वो जो मिनिमल कॉन्टैक्ट भी आप दोनों के बीच में है ना, उन्हें लगता है कि वो भी नहीं रह पाएगा फिर आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप इनसे हर तरीके से रिश्ते नाते खत्म कर दोगे। सो यस, इसलिए भी ये कहीं हद तक आपके सामने आकर आपको अप्रोच नहीं करते क्योंकि इनको बहुत ज्यादा है फियर, फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ लॉस आपके पार्टनर के अंदर में देख रहे हूँ। ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं इस चीज से, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और अब आप इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तभी आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो या तभी आप इनको पहले की तरह चेज नहीं कर रहे हो। सो यस, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और पोजेसिव भी आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी ये है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए,
इनके अंदर अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको फेस कर सकें, ठीक है, इनके अंदर अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि एकदम से आकर आपसे बात कर सकें और चीजें क्लियर कर सकें आपके साथ। बट यहाँ उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर यस, ये आना चाहते हैं वापस, कम बैक तो करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर एनर्जीज देखी जाए कि कब तक कम बैक करेंगे ये पर्सन, तो मुझे तो बहुत लोगों के लिए आज रात की एनर्जीज ही ऐसी दिख रही हैं कि जहां पर आज रात या नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन या तो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रांग चांसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कुछ बहुत ही स्ट्रांग एक्शन या बहुत ही स्ट्रांग इनिशिएटिव आपके पार्टनर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, इनके इनको स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है, इनके अंदर वो हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगेगा कि ये और देर नहीं करनी चाहिए और आपको दूर नहीं रखना चाहिए खुद से, तो ये और देर नहीं करना चाहेंगे। सो यस, नेक्स्ट 24 आवर्स स्ट्रांग चांसेस हैं यहाँ पर। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर आपके लिए है, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी दीज डेज, आप क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन यही सोच रहे हैं इस समय भी, यही चीज इनके दिमाग में चल रही है कि ऐसा क्या हो गया जो आपने इन्हें चेज करना छोड़कर, इन्हें इग्नोर करना, इनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना एकदम से शुरू कर दिया है। ऐसा क्या घटित हो गया आपकी लाइफ में, यू नो। आई वॉन्ट टू टच यू, यस, ये पर्सन आपके लिए स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं, मे बी उन्हें आपकी प्रेजेंस फील करनी है। आई एम वरिड अबाउट यू, ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, इन्हें भी पता है कि आप उदास हो गए इनके बिना, खुश तो आप भी नहीं होगे इनके बिना, क्योंकि प्यार आप एक समय पर जो इतना प्यार इनसे करते थे, आप एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिल में से उनके लिए प्यार खत्म हो जाए पूरे तरीके, ठीक है। तो ये बिल्कुल चिंता करते हैं और इन्हें पता है कि आप मिस जरूर करते होगे इनको, आप चाहे यकीन करो या ना करो, बट ये आपसे और भी ज्यादा प्यार करने लग गए हैं। आप पहले जितना प्यार करते थे ना, अब इनका प्यार और ज्यादा हो गया आपके लिए। आई विल फॉर गिव यू, अगर कुछ गलती आपसे हुई है, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपकी किसी चीज से ये हर्ट हुए, आपके किसी बिहेवियर से, किसी बात से, तो येस, दिस पर्सन इज रेडी टू फॉर गिव यू, और इन्हें पता है कि आप इन्हें मिस जरूर करते होंगे, यू रियली मिस दिस पर्सन। ये आपकी लाइफ में आकर अब आपको हील करना चाहते हैं, आपको कोई दुख परेशानी नहीं देना चाहते हैं। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि मे बी जो टॉक्सिसिटी थी, जो नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन में, वो भी काफी हद तक एंड होती हुई नजर आ रही है। जब से इन्होंने आपको देखा है ना, इन्हें ऐसे लगता है कि जरूर कुछ पास्ट लाइफ रिश्ता है आप दोनों का, पिछले जन्मों का रिश्ता है आप दोनों का, तभी चाहकर भी वो आपसे अलग नहीं हो पाते, आप उनसे अलग नहीं हो पाते। तो यस, वो फील करते हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है आपके साथ ये कनेक्शन, और ये रियलाइज कर रहे हैं, इन सब चीजों को वो रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक ग्रेट, या सो यस, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें मेरी रीडिंग को, शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए। क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें और हैप्पी छोटी दिवाली लिखकर जरूर जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।